गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा श्रीवास्तवा, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका तीसरा पार्ट स्टडी करेंगे। बच्चों, आपको पहले दो पार्ट में बताया गया था कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है और उसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे की जाती है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स का कोरोजन कैसे होता है, या कोरोजन क्या होता है और उसके प्रिवेंशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? बच्चों, कोरोजन इज अनडिजायरेबल नेचुरल फिनोमिना इन विच रिफाइंड मेटल इज कन्वर्टेड इंटू मेटल सल्फाइड, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, इनको जब हम नेचर के कांटेक्ट में कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो इनके सरफेस पर हमको अलग-अलग कलर की कोटिंग दिखती है। जैसे कॉपर के सरफेस पर आपको ग्रीन कलर की कोटिंग दिखेगी, सिल्वर मेटल अगर आपने लिया है तो कुछ दिनों के बाद उसके सरफेस पर आपको ब्लैक कलर की कोटिंग दिख जाएगी। इसी तरह से आयरन, जो कि एक वेल नोन एग्जाम्पल है, इसके बारे में आपको पता होगा कि आयरन को जब आप कुछ दिन के लिए एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर आपको रस्ट दिखाई देता है। तो ये हुआ क्या? जब हम मेटल्स को नेचर के कांटेक्ट में कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो वो नेचर में प्रेजेंट मॉइस्चर और गैसेस से रिएक्ट करके अपने सरफेस के ऊपर एक कोटिंग बना लेता है। ये एक अनडिजायरेबल फिनोमेना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कोरोजन की स्टडी करेंगे। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक अनडिजायरेबल नेचुरल फिनोमेना है जिसमें मेटल नेचर में प्रेजेंट मॉइस्चर या उसमें प्रेजेंट गैसेस से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक अनडिजायरेबल कोटिंग बना लेते हैं। और उससे होता क्या है? उससे मेटल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जैसे देखिए कि कॉपर, कॉपर के केस में क्या होता है? कॉपर मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आता है तो अपने सरफेस पर एक ग्रीनिश कलर की कोटिंग बना लेता है, एंड दैट इज द कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3CuOH होल ट्वाइस, जिसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं। इसी तरह से सिल्वर पर देखिए, सिल्वर के आर्टिकल्स पर आपने ब्लैक कलर की कोटिंग नोटिस की होगी। वो कैसे बनता है? सबसे पहले सिल्वर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। फिर ये ऑक्साइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं और सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेते हैं। तो इस तरह से तो कॉपर और सिल्वर की कोटिंग आपने स्टडी कर ली। अब एक वेल नोन एग्जाम्पल आयरन की भी स्टडी कर लीजिए। आयरन के केस में क्या होता है? आयरन के केस में जब आयरन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो Fe2O3.XH2O, ये फॉर्मूला होता है रस्ट का। आयरन अपने ऊपर रस्ट की एक कोटिंग बना लेता है और इस तरह से ये सारे मेटल्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब आयरन की स्टडी करने के लिए यहां पर हमने एक एक्सपेरिमेंट को इलस्ट्रेट किया है। आइए देखें इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जा रहा है। बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में हमने तीन सेटअप्स तैयार किए हैं, ए, बी और सी। टेस्ट ट्यूब ए है, फिर बी है और फिर सी है। सबसे पहले क्या किया? तीनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने आयरन नेल्स डाल दिए। देखिए, ए में भी आयरन नेल है, बी में भी है और सी में भी हमने आयरन नेल्स को डाल दिया है। अब क्या करें? टेस्ट ट्यूब ए में आप टैप वाटर भर लीजिए और उसके ऊपर कॉर्क लगा करके 2 से 3 दिन के लिए आप इस एपरेटस को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब अगला देखिए। अब
अगली केस में हमने क्या किया है, आपने जिस टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल डाला था उसमें आप डिस्टिल्ड वाटर डालिए और उसके ऊपर 1 ml के आसपास ऑयल डाल दीजिए। इससे क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर में जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन गैस होगी वो निकल जाएगी और उसके ऊपर जब ऑयल का एक लेयर बन जाएगा तो उसका एटमॉस्फेरिक गैसेस से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अगले केस में हमने क्या किया, अगले केस में हमने वाटर नहीं डाला है, अगले केस में हमने आयरन नेल में लगभग 1 या 2 ग्राम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तीनों टेस्ट ट्यूब को आप कॉर्क से ब्लॉक कर दीजिए और 2 से 3 दिन के बाद आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए में रस्टिंग की प्रोसेस हुई और आयरन नेल्स पर आपको रस्ट दिखाई देगा। यहां पर क्या हुआ, जब आपने आयरन नेल लिया तो आयरन नेल का कांटेक्ट वाटर से भी हुआ और वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस से भी हुआ। तो इस केस में आयरन नेल का कांटेक्ट एयर और मॉइस्चर दोनों से हुआ। टेस्ट ट्यूब बी को स्टडी करिए। टेस्ट ट्यूब बी में आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया था और डिस्टिल्ड वाटर में क्या था, कोई भी गैस डिसॉल्व्ड नहीं थी। तो इस केस में आयरन नेल का कांटेक्ट मॉइस्चर से तो हुआ लेकिन गैसेस से नहीं हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, आयरन नेल को मॉइस्चर तो मिला लेकिन एयर में प्रेजेंट गैसेस से उसका कांटेक्ट नहीं हुआ। तीसरा केस देखिए, तीसरे केस में क्या हुआ था, आपने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया था जिसने उस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब इसका कांटेक्ट एयर से तो हुआ लेकिन मॉइस्चर से नहीं हुआ। तो टेस्ट ट्यूब ए में प्रेजेंट आयरन नेल का कांटेक्ट एयर और मॉइस्चर दोनों से हुआ, टेस्ट ट्यूब बी में आयरन नेल्स का कांटेक्ट सिर्फ मॉइस्चर से हुआ एंड इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब सी आयरन नेल्स का कांटेक्ट सिर्फ एयर से हुआ। तो इन दो केसेस में, इन केस ऑफ बी एंड सी, रस्टिंग की प्रोसेस नहीं हुई, जबकि केस ए में रस्टिंग की प्रोसेस हुई। यहां पर किस चीज की कमी थी, एयर की कमी थी, और सी वाले प्रोसेस में किस चीज की कमी थी, मॉइस्चर की कमी थी। तो इससे ये प्रूव होता है कि अकेला एयर या अकेला मॉइस्चर रस्टिंग को कॉज नहीं कर सकता। रस्टिंग की प्रोसेस के लिए एयर और मॉइस्चर, ये दो नेसेसरी कंडीशंस होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दिखाया है कि रस्टिंग की प्रोसेस के लिए एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों ही इम्पॉर्टेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि रस्टिंग की प्रोसेस के लिए हमें एयर और मॉइस्चर दोनों कंडीशंस चाहिए। तो बच्चों इस तरह से आपने कोरोजन को समझा। अब कोरोजन से बचने के लिए प्रिवेंशन मेथड्स कौन कौन से होंगे, चलिए हम उसकी स्टडी करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, बच्चों कोरोजन को रोकने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे रस्टिंग एक बहुत ही आम प्रोसेस है कोरोजन का, जिसको रोकने के बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, फिर गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, बहुत सारे मेथड्स होते हैं कोरोजन को रोकने के। अब इसमें से पेंटिंग के केस में आपको पता है कि जब भी हम किसी आयरन आर्टिकल को पेंट कर देते हैं तो उसका एटमॉस्फेरिक गैसेस से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। इसी तरह से ऑयलिंग और ग्रीजिंग भी की जाती है, इससे क्या होता है, सरफेस पर आर्टिकल के एक लेयर बन जाता है और उसका एटमॉस्फेरिक गैसेस से और मॉइस्चर से कांटेक्ट रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, हम रस्टिंग की प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर अगला है गैल्वेनाइजिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बच्चों इसमें किया क्या जाता है,
इसमें हम स्टेनलेस स्टील और आयरन आर्टिकल्स के ऊपर मोल्टेन जिंक की एक लेयर बना देते हैं। बाद में वो जिंक सॉलिडिफाई हो जाता है और इससे रस्टिंग का प्रिवेंशन बहुत अच्छे से होता है। कभी-कभी क्या होता है कि किसी जगह से अगर जिंक की कोटिंग हट भी जाए तो भी रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल के ऊपर से अगर जिंक की कोटिंग कहीं ब्रेक भी हो जाए, हट भी जाए, तो भी रस्टिंग का प्रिवेंशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बच्चों, आपने एक्टिविटी सीरीज में देखा होगा कि जिंक की पोजीशन आयरन से ऊपर है, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हुई? तो रिएक्टिविटी जिंक की आयरन के कंपैरिजन में ज्यादा हो गई। तो ऑक्सीजन से पहले जिंक रिएक्ट करेगा ना कि आयरन, और इसीलिए आयरन की रस्टिंग नहीं हो पाती है। फिर अगला है क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग के केस में क्या किया जाता है बच्चों? क्रोम प्लेटिंग के केस में क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर। इससे फायदा क्या होता है बच्चों? ये एक तो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, दूसरा क्रोमियम की अगर प्लेटिंग करें आयरन आर्टिकल्स के ऊपर तो उसकी क्लेंजिंग प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाती है, और इसके अलावा ये हार्डनेस भी आयरन को प्रोवाइड करता है। फिर अगला देखिए एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग के केस में नॉर्मली किया क्या जाता है? एनोडाइजिंग के केस में हम एल्युमिनियम या एल्युमिनियम के जो और कंपाउंड्स होते हैं उसके ऊपर हम ऑक्साइड्स की लेयर बनाते हैं, और इससे क्या होता है, उसका एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसका जो कोरोजन प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। फिर अगला देखिए मेकिंग अलॉयस। अलॉयस से भी हम रस्टिंग या कोरोजन के प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एन अलॉय? अलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। अलॉय के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, वहां पर आपको बताया गया था कि अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल्स का, या मेटल्स और नॉन मेटल्स का भी होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। अलॉय की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से कम होती है। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन प्योर मेटल्स। इसका यूज बहुत होता है। आप देखिए, एक अलॉय है ब्रास। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। फिर ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो एलॉय होता है कॉपर और टिन का एलॉय होता है। ये दोनों ही एलॉय दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, जबकि आपको पता है कि कॉपर के तो वायर्स बनाए जाते हैं, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन इससे जो एलॉय बना ब्रास और ब्रॉन्ज, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। फिर अगला देखिए सोल्डर। बच्चों, ये सोल्डर एक एलॉय है लेड और टिन का। इसका यूज क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट इसमें प्रेजेंट मेटल से कम होता है, और इसीलिए इसका यूज किया जाता है वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स में। इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग वाले प्रोसेस में हम सोल्डर मेटल का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एलॉय का और क्या क्या यूज हो सकता है। बच्चों, आप देखिए प्योर आयरन, अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो सबसे ज्यादा हम आयरन आर्टिकल्स का ही यूज करते हैं। प्योर आयरन अगर हम यूज करेंगे तो प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजली व्हेन इट इज हॉट। जब प्योर आयरन आप लेंगे तो प्योर आयरन सॉफ्ट होता है, और अगर वो गर्म हो तो उसकी स्ट्रेचिंग प्रोसेस बड़ी ही आसानी से हो सकती है। जबकि आयरन को हम यूज करते हैं उस जगह पर जहां पे हमें हार्डनेस प्रोवाइड करनी होती है। तो अब क्या करें? अब हम आयरन के अलॉयज बना सकते हैं। अगर आयरन को हम 0.05% कार्बन के साथ में मिक्स कर दें तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी
और वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अगर आयरन आर्टिकल को हम निकल और क्रोमियम के साथ में उसका होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करके अलॉय बना लें, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। और इससे क्या होगी, इससे हार्डनेस बढ़ जाएगी और आयरन आर्टिकल रस्ट कैच नहीं करेगा, उसकी रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी। फिर अगला देखिए बच्चों, प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड ऐसे तो 24 कैरेट गोल्ड को कहा जाता है, लेकिन उसका यूज हम ज्वेलरी बनाने में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, ज्वेलरी नहीं बन पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, उसको हार्डनेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और हार्डनेस प्रोवाइड कराने के लिए हम उसका एलॉय बनाते हैं सिल्वर या कॉपर के साथ। इसीलिए इंडिया में नॉर्मली 22 कैरेट गोल्ड का प्रचलन है। 22 कैरेट गोल्ड से मतलब होता है कि उसमें 22 पार्ट तो प्योर गोल्ड का होगा, और जो बचा दो पार्ट उसमें या तो सिल्वर प्रेजेंट होगा या तो कॉपर प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से प्योर गोल्ड अगर 24 कैरेट आप लीजिएगा तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। तो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया, इट इज अलॉयड विद सिल्वर और कॉपर। फिर अगला देखिए, अगला एलॉय होता है अमलगम। अमलगम कौन सा एलॉय होता है बच्चों, अगर एक मेटल कोई भी जो हमने मिक्सचर लिया है मेटल्स का, उसमें से अगर एक मेटल मरकरी हो तो ऐसे एलॉय को हम अमलगम कहते हैं। और ये जो अमलगम एलॉय है तो वो क्या हुआ, इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी, और इसका यूज अक्सर जो मरकरी मेटल है या जो अमलगम है इसका यूज अक्सर मेडिकल लाइन में किया जाता है। तो इस तरह से आपने आज के इस तीसरे पार्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरोजन के बारे में जाना, और जाना कि कोरोजन के प्रिवेंशन के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप तीनों वीडियोस को फिर से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।